नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल HNK रिएक्शन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक फिर से नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो गया हूं। तो अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरा सब्सक्राइब जरूर कर देने का, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हमको काम करने में बहुत उत्साह, आनंद और प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देने का और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और देश के बारे में वीडियो है और आपको देखने में भी मजा आएगा। आपको पता नहीं होगा कि पुराने इतिहास में क्या हो चुका है, वो इस फिल्म के बारे में आपको पता चलेगा, क्योंकि आज हम एक फिल्म का ट्रेलर देखने वाले हैं। उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल, जो उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। तो इस कश्मीर में क्या हुआ था इसके बारे में इस फिल्म के ट्रेलर में बताया गया है, और फिल्म तो रिलीज होने में देर है लेकिन ट्रेलर देखकर का आपको पता चलेगा कि रियल में कश्मीर में क्या हुआ था पंडितों के साथ, इसके बारे में आज का ट्रेलर है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये कश्मीर फाइल वाला वीडियो। 18, 19, 20, 21, 22, 23 आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली। जी। कितने लोगों को मारा होगा? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते, और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। देखो कौन है, कृष्णा। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा? हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर जल रहा है, खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागी, गवर्नर से मिल गई। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर has never been an integral part of India and this is a historical fact. Free Kashmir! Rale kare chale! अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन गया। बल मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। Azadi is a song of terrorism. It's an anthem of free Kashmir. Sacrilege Jangarman of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ी से बांध बांधकर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजे उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बदतम नहीं उठाया, क्यों? And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े। This is the time for justice, Krishna. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इस दिस जस्टिस। दोस्तों ट्रेलर तो इतना ही था, छोटा ट्रेलर था, लेकिन ट्रेलर के बारे में हम देखने के बाद हमको ये तो पता चलेगा कि फिल्म देखने लायक है।
और फिल्म जब हम थिएटर में देखेंगे तब हमको पूरा कश्मीर के बारे में पहले क्या हुआ था वो उसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि इसमें जो स्टोरी बताई है श्रीमान रति अग्निहोत्री जो कश्मीरी पंडित ही है और सारे जो कलाकार है वो भी कश्मीरी पंडित, ज़्यादातर कश्मीरी पंडित ही है, और उसने वहाँ जा कर के पूरा इतिहास सर्च करके ये फिल्म बनाई है। और मुझे तो ये लगता है कि पहले जो फिल्म बनती थी, पहले दो तीन फिल्म कश्मीर के बारे में आए हैं, लेकिन इसमें कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वो फिल्म मैंने भी देखी थी, इसमें सिर्फ कश्मीर पंडितों को एक सामान्य ही रोल बताया था, बाकी तो जो आतंकवादी थे उसको एक दया भाव वाला बताया है, ऐसे एक फिल्म बनी थी। लेकिन ये फिल्म अगर आपने देखी तो समझ लो पूरा कश्मीर का ज्ञान आपको मिल जाएगा, और कश्मीर के पंडितों के साथ क्या क्या हुआ था ये इसमें फिल्म में पूरा बताया है। और कश्मीर दोस्तों इस वक्त उस टाइम कश्मीर के जो वतनी थे वो भारत के गृह प्रधान थे, लेकिन वो मोमेडन थे, मुस्लिम थे। इसके हिसाब से उसकी पुत्री का अपहरण किया गया था और रातों रात कश्मीरी आतंकवादी को छोड़ दिया था। और इसके बाद इसके गृह मंत्री होते ही कश्मीर में बहुत दंगा हुआ था और कश्मीरी पंडितों को रातों रात निकाल दिया था। और इस कश्मीरी पंडित अपने घर बार खेत बार सब छोड़कर भारत के अलग अलग कोने में बस गए थे, और बस नहीं एक रेफ्यूजी टाइप रहने लगे थे, और कोई तो विदेश भी चले गए थे जो पैसे वाले थे। ऐसे थी कश्मीरी पंडितों की हालत। तो मैं आपको विनती करता हूँ कि आपको 11 मार्च को ये फिल्म थिएटर में जाकर के देखनी जरूरी है, क्योंकि फिल्म में बहुत कुछ आपको पता चलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।